मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फर्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फर्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ल अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ चार किताबों का जिक्र है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहि सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुबहाना व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ चार किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फर्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पर सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है लफ्ज से। ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में, लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान, फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए, क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम
कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।